अस्सलाम वालेकुम, क्या आप इस तरह A4 साइज़ पेपर पर आर्ट आईडी कार्ड की कॉपी करवाना चाहते हैं या A6 पेज पर आप दो कॉपी एक ही बटन से करवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे हौसला अफजाई के लिए नीचे सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक कीजिए और हर नए आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सबसे पहले लेआउट एडिट पे आ जाएं। यहाँ पर आने के बाद इमेज रिपीट पे क्लिक करें, इसको जूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पर आकर स्पेसिफिक एरिया पे क्लिक करें, यहाँ पर इसको ऑन करें। ऑन करने के बाद यहाँ पर एंट्री करें, ये 432 को हटाएं, यहाँ पर लेके 70 और यहाँ पर लेके Y2G लेकर है 100। गौर से देखें, यहाँ पर 70 यहाँ पर 100। इसके बाद इसको ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करने के बाद आप इसका शॉर्टकट भी बना सकते हैं, मसलन जिस वक्त आप पोर्ट्रेट वगैरह करते हैं, कॉपी करते हैं, तो डायरेक्ट वो बटन दबाने से डायरेक्ट वो ही कॉपी निकलेगा। लेकिन फिलहाल मैं उसको छोड़ देता हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए। यहाँ पर ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर वापस आ जाएँ, पे A4 साइज पेपर सेलेक्ट करें। अभी मैं आईडी कार्ड को रखता हूँ। आईडी कार्ड को रखने के बाद आप देख लें, आपने सिर्फ क्लिक करना है, बस स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट के बटन पे क्लिक करें, एक दफा दबाने से अब देख ले वन पेज पर 8 आईडी कार्ड निकलेंगे। अब देख ले आपने, ये देख ले 1 आईडी कार्ड। अगर आपने इस वक्त बिग साइड करवाना है तो नीचे ट्रेसी भी करवा सकते हैं या बाईपास ट्रेसी भी करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल करवा सकते हैं। ये देख लो, सेटिंग वही रहेगी, कोई इसको चेंज ना करें, बस डायरेक्ट जो है शंगदी कार्ड को तब्दील करें, इस तरह करें, डायरेक्ट बस इस तरह कर दें। बाकी सेटिंग उसी तरह रहेगी, लेकिन ये बात ख्याल रखें कि यहाँ पर जो पेपर सेलेक्ट, अभी हमने बाईपास से निकालना है तो ये इसको बाईपास से भी कर लें, MP ट्रे पर सेलेक्ट करें। ओके, अब डायरेक्ट स्टार्ट का बटन दबाएं। अब देख ले, अब देख ले साइड टू साइड आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये देखो किस तरह नजर आ रहा है। अभी अगर आप वन आईडी कार्ड पे यानी A6 पेज पर दो आईडी कार्ड निकालना चाहते हैं तो इसके उसी तरह तरीका है, लेआउट पे चले जाएं और इमेज रिपीट पे जाएं और यहाँ पर जूम प्रोडक्ट और यहाँ पर स्पेसिफिक एरिया, यहाँ पर ऑन करें, यहाँ पर दोबारा 70 और यहाँ पर 100, इसको ओके पे क्लिक करें, दोबारा ओके। ओके पे क्लिक करें, यहाँ पर आ जा पेज पे आ जाएं, यहाँ पर पेज को मुंतखब करें, MP3 ओके। इसको अभी मैं दिखाता हूँ कि एक पेज पे किस तरह A6 पेज पर दो शंगदी कार्ड निकलेगी। यहाँ पर क्विक सेटअप पे आ जाए, शंगदी कार्ड मैंने रखा हुआ है, बस सिर्फ आपने स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है। अभी देख लो, स्टार्ट के बटन पे क्लिक करके अभी देख ले, ये देख लो दो आईडी कार्ड निकल गए। अभी इस तरह मैं इसका बैक साइड करवाता हूँ। ओके, बस कोई चेंजिंग नहीं करना है, सिर्फ ये वाला कर दो इस तरह, स्टार्ट का बटन दबाए। देख लो, देखो वन पेज पर 2 भी आ रहे हैं और वन पेज पर 8 भी आ रहे हैं। अब मैं आपको एक नया तरीका बताने जा रहा हूँ जो बेहतरीन ट्रिक है, आप उसको यूज करें। पेज लेआउट पे आ जाए, इमेज रिपीट पे चले जाएं और यहाँ पर जूम प्रोटेक्ट स्पेसिफिक एरिया, यहाँ पर 70 यहाँ पर 100। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसका शॉर्टकट बनाएं, एड शॉर्टकट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जिस जगह भी सेव करना चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी सेव किया है, मसलन 8 आईडी कार्ड, 2 आईडी कार्ड, मैं 2 आईडी कार्ड पे सेव करना चाहता हूँ, 2 आईडी कार्ड सेव पे क्लिक करें। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपके पास अगर कोई रश वगैरह आ जाए तो आप डायरेक्ट वहाँ से करवा सकते हैं। अभी मैं कैसा रिसेट करता हूँ, रिसेट करने के बाद देख लो ये शॉर्टकट आपको यहाँ पर नज़र आ रहेंगे।
अभी मैंने एट आईडी कार्ड पे क्लिक करना है। डायरेक्ट देखो वोदर पर मैं चला गया डायरेक्ट स्पेसिफिक एरिया। ये देखो अभी मैं आपके सामने देखो प्रेस कर बटन करता हूँ, कोई भी चेंजिंग नहीं करनी पड़ती है। इस तरह आप इसका डबल साइड भी करवा सकते हैं। अगर आप को ये तरीका नहीं आता तो एक दूसरा स्टेप है, वहाँ पर आप प्रिंट प्रीव्यू भी कर सकते हैं। देखो प्रीव्यू ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक करें आपको ये डायरेक्ट शो करेगा। ये देख लो कि आपका आईडी कार्ड किस तरह नज़र आएंगे। ये देख लो आपका आईडी कार्ड इस तरह नज़र आएंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी तरीका नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं आपका भरपूर हेल्प करूंगा। आखिर में एक गुजारिश है दोबारा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें।